चलो शुक्र है तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब कंफर्म हो गई और वो भी इतनी हैंडसम सैलरी के साथ। थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से ये मुमकिन हुआ। इतना कुछ करते हो तुम मेरे लिए। जब दो दिल एक होते हैं ना फबिया, तो ये अपना अपना कुछ नहीं होते। तुम मुझे अपने हर कदम पे साथ पाओगे। फबिया, आई एम रियली सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी? फबिया, मुझे हमजा ने बताया कि तुम काफी देर से ये जॉब कर रही हो। जी मैम, तकरीबन 5 साल हो गए इस फील्ड में। वेरी गुड। तो इन 5 सालों में तुमसे किसी को कोई शिकायत हुई? या तुम्हें किसी से कोई शिकायत? नहीं, बिल्कुल ठीक। मेरी सास पैरालाइज है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। लेफ्ट साइड पे अटैक हुआ था और उनकी फिजियोथेरेपी, उनकी सारी एक्सरसाइज तुम्हें करवानी होगी। टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। आप बेफिक्र हो जाए। परफेक्ट, ठीक है। तो फिर तुम बताओ कि तुम सैलरी क्या एक्सपेक्ट करती हो? जो भी आपको ठीक लगे। तो ठीक है, तुम कल से ही आ जाओ। फबिया, आई एम रियली सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी? Are you okay? I'm really sorry. It's okay. आप लोग? मैम, सनाया ने बुलाया था हमें केयर टेकर की जॉब के लिए। ओ अच्छा, कैसी रही मीटिंग आपकी? अच्छी रही। मैं सनाया का हस्बैंड। हाय हाय। मैं फबिया का फियांसे। Well, thanks for coming. चले फबिया। चलो शुक्र है तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब कंफर्म हो गई और वो भी इतनी हैंडसम सैलरी के साथ। थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से ये मुमकिन हुआ। इतना कुछ करते हो तुम मेरे लिए। जब दो दिल एक होते हैं ना फबिया, तो ये अपना अपना कुछ नहीं होते। तुम मुझे अपने हर कदम पे साथ पाओगे। अच्छा चलो, अभी देर हो रही है, अभी हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो मुझे। पता नहीं हॉस्पिटल का बिल भी कितना बन गया होगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम कहाँ से दोगे पैसे? लेकिन वो मेरा मसला है ना। हमजा, कह दिया ना, कह दिया। तुम कल रात से घर नहीं गए हो। आंटी से बात हुई है? चलो चलिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा का सारा इल्जाम तुम मुझ पे लगा दो। हालात इंसान की जान ले लेते हैं। किस्मत तो बुरी थी, आपने बुरी किस्मत का साथ देके अपनी माँ के साथ जुल्म किया। मैंने सुन क्या? फबिया, मेरे पास है ही क्या? माँ की मोहब्बत तुम्हारे हिस्से में, अच्छे अच्छे जीवन साथी का साथ तुम्हारे हिस्से में, मुझे क्या मिला? बस इंतजार, नफरत, बेबसी। और अगर मैंने अपने सुकून के लिए कुछ कर भी दिया तो कौन सी बड़ी कयामत आ गई है? जब इंसान को सही और गलत नजर आना बंद हो जाए ना आप ही, तो सामने बहता दरिया भी नजर नहीं आता। आप बस दुआ करें कि आपकी गलतियों की सजा हमारी माँ को ना मिले। इतने सारे तुम्हारे पास कहाँ से आए? पॉकेट मनी है मेरी, आपके लिए संभाल के रखे थे। मुश्किल वक्त में भाई तो बहन को भूल सकता है, लेकिन बहन अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकती। इधर आओ, बैठो, बैठो यहाँ पे। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी।
आप ऐसे नहीं थे भाई, पता नहीं क्या हो गया आपको। मैं ऐसा ही हूँ? नहीं, आप ऐसे नहीं थे। किसी की मोहब्बत, जज्बात, फिकर, उसमें कहीं खो गए आप। ऐसा नहीं है अनिया। ऐसा ही है, वरना कोई इंसान जो अपनी एक हंसी के पीछे अपनी सारी परेशानियां छुपा लेता था, अपनी बहन और माँ को एहसास तक नहीं होने देता था, आज वो अपना एक दुख नहीं छुपा पा रहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मोहब्बत हुई है ना आपको? मोहब्बत में तो इंसान जीना सीखता है। आपने खुद को खत्म कर लिया है। क्या करूं आलिया, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ भविया के लिए। क्या करना चाहते हैं आप? उसे उसकी हर जिम्मेदारी से आजाद करना चाहता हूँ, ताकि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत कर सके, मुझे वक्त दे सके, मेरे बारे में सोच सके, सिर्फ मेरी हो सके। तुम्हारे रखो इन्हें। बुरी किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है ना, लेकिन इज्जत और जिल्लत तो हमारे हाथ में। ऐसी चालाक निकलेगी ये हादिया, अंदाजा नहीं था भाई। देखो शक्ल से कैसी मासूम लगती है। या मेरे अल्लाह, तौबा तौबा। अब समझ में आया कि मैं गलत नहीं कहती थी। भाभी तो भाभी, उनकी अम्मा भी बहुत तेज है। हाँ और क्या, अम्मा की तो बात ही ना करो। ऐसी मीसनी आई मैं बिस्तर पे क्या आई, उन्होंने तो दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल दिया भाई। मेरे बेटे को देखो, आज दावत है उनके घर पे, इतना नहीं हुआ कि जाने से पहले पूछ लेता कि अम्मी आप चलेंगी साथ, या कह देता कि आपने चलना है अम्मी। कॉल आई थी आपको? हाँ आई तो थी, और हमको नहीं बताया मैंने। अच्छा अब देती रहेंगी दोनों माँ बेटियाँ इसे सफाइयाँ। ये बहुत अच्छा किया आपने। वैसे आप अकेली रहेंगी क्या घर पे अब? हाँ तो हमारी तो किस्मत में यही लिखा है भाई। किस्मत में नहीं अम्मा, आपको आपकी बहू ने अकेला किया है। और ये कोई बात हुई कि अम्मा को घर में अकेला छोड़ के चले गए? मुझे तो हैरत है आप पे। आपको तो शोर मचाना चाहिए था, हंगामा करना चाहिए था, मना करना चाहिए था आरम भाई को। अरे मेरी सुनता कौन है इस घर में? बेटी के साथ साथ अम्मा भी अपने दामाद को इशारों पर नचाना चाहती हैं। हाँ तो नचा तो रही हैं, वरना मेरा आराम जो माँ की एक आवाज पे दौड़ा भागा चलाता था, वो ससुरालियों के नक्शे कदम पे है। जैसे उन्होंने बेटी नहीं दी, हमने बेटा दिया है अपना। वैसे अम्मी सच सच बताएं, आपके पास दिन भर होता कौन है? कौन ख्याल रखता है आपका? भाई एक दिन वो सनाया छुट्टी करती है और एक दिन आराम। बस तो इससे अच्छी बात हो क्या सकती है? जिस दिन अरम भाई छुट्टी करें, उस दिन आप इतनी अच्छी बन जाएं कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। और जिस दिन भाभी छुट्टी करें, आप अपना असल रंग दिखा दें। बस भाई को इस बात का यकीन दिला दें कि आप बिल्कुल तंग नहीं करती, और भाभी के मुंह से ये कहलवा दें कि आप बहुत तंग करती हैं। फिर देखें आप बैठ के तमाशा। और ये काम कैसे अंजाम देना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। कहती तो तुम ठीक, आप भी कम नहीं है।